नमस्ते प्रिय मित्रगण, संस्कृत वोयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नेट के पाठ्यक्रम में स्मृति साहित्य के अंतर्गत मनुस्मृति का प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय समाविष्ट है, जिनमें कुल मिलाकर 598 श्लोक है। अल्पकाल में सभी श्लोकों का अध्ययन और कंठस्थ होना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख श्लोकों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें से पूर्व परीक्षा में भी कई बार प्रश्न आए हैं और आगामी श्लोक आगामी परीक्षा में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए हम साथ मिलकर कुछ ऐसे श्लोकों का अध्ययन करते हैं जो हमें अपनी परीक्षा में काम में आए। श्लोकों की शुरुआत करने से पहले हम स्मृतियों के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। स्मर्यते इति स्मृति ही, स्मृ धातु से तीन प्रत्यय करने पर स्त्रियां तीन पाणिनीय सूत्र है, उससे तीन प्रत्यय करने पर स्मृति शब्द निष्पन्न होता है। वेदों के अर्थों का जो स्मरण कराए उस शास्त्र को हम स्मृति शास्त्र कहते हैं। विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न स्मृतिकारों के नाम उपलब्ध होते हैं, जैसे कि निर्णय सिंधु ग्रंथ में 31 स्मृतिकारों के नाम दर्शाया गया है। वीर मित्रोदय ग्रंथ में, जिसके लेखक मित्र मिश्र है, उन्होंने 18 स्मृतिकारों के नाम वीर मित्रोदय में निर्दिष्ट किए हैं। उसके अलावा पुराण साहित्य में अग्नि पुराण में 20 स्मृतिकारों के नाम उल्लेखित है, गरुड़ पुराण में 10 स्मृतिकार और महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में 23 स्मृतिकारों के नाम निर्दिष्ट है। सूत्र साहित्य में प्रतिपादित विषयों को स्मृति ग्रंथों में श्लोक स्वरूप में प्रतिपादित किए गए हैं। स्मृति शास्त्र का प्रमुख विषय धर्मशास्त्र है। कहा भी गया है कि श्रुति तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वे स्मृति। स्मृतिकारों में मनु प्रमुख है और सभी स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मनुस्मृति का काल निर्णय एक विवादास्पद विषय है, फिर भी पीवी काणे महोदय ने 200 ईस्वी सन पूर्व से 100 ईस्वी सन पूर्व मनुस्मृति का काल निर्धारित किया है। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2694 श्लोक प्रतिपादित मनु ने किए हैं। इन पर कई सारे टीका ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिस पर से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि मनुभाष्यम जो मेधातिथि ने लिखा है, कुल्लुक भट्ट की मन्वर्थ मुक्तावली टीका, सर्वज्ञ नारायण की मन्वर्थ विवृत्ति टीका, राघवानंद की मन्वर्थ चंद्रिका टीका और मणिराम दीक्षित की सुखबोधिनी टीकाएं प्रसिद्ध है। इसमें भी सबसे ज्यादा कुल्लुक भट्ट जी की मन्वर्थ मुक्तावली टीका आज प्रसिद्ध है। मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में राजधर्मों का निरूपण किया गया है। इस अध्याय में कुल मिलाकर 226 श्लोक है। जैसे कि मैंने बताया, सभी श्लोकों का अध्ययन हो पाना संभव नहीं है। अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, समय कम है और विघ्न ज्यादा है, तो मैं आपके समक्ष राजधर्म के कुछ प्रमुख चुने हुए 50 या 60 श्लोकों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। अध्याय की शुरुआत मनु करते हैं कि राजधर्मान प्रवक्ष्यामि, अब मैं आपको सप्तम अध्याय में राजधर्मों का कहूंगा। तो राजधर्म के प्रस्तावना करने के बाद वह कहते हैं, अराज के ही लोकेस्मिन सर्वगे विद्रुते भयात् रक्षार्थम अस्य सर्वस्य राजानम असृजत प्रभु। राजा की क्यों आवश्यकता है? क्या राजा के बिना राज्य प्रशासन नहीं चल सकता? उसके बारे में बताते हैं कि अराज के ही लोकेस्मिन, अस्मिन लोके अराज के सर्वगे विद्रुते भयात्, अराजकता के चलते इस संसार में सब जगह भय और उत्पात व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए
सर्वस्य रक्षार्थम प्रभु राजानम असृजत। इस संसार का नियमन करने के लिए भगवान ने राजा का सृजन किया। राजा कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता। राजा में अनेक देवताओं के अंश और गुण निहित रहते हैं। मनु कहते हैं कि इंद्र नील यमार्काणम अग्नेश्च वरुणस्य च चंद्र वित्तसयोस्तेव मात्रा निरहृत्य शाश्वती। इंद्र यानी इंद्र, अनिल यानी वायु, दम, अर्क यानी सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर की अनुपम गुण और अंशों से राजा युक्त होता है। यानी राजा कोई सामान्य मनुष्य नहीं होता, लेकिन उसमें कई देवी गुण निहित रहते हैं। बालों की नाव मंतव्यो मनुष्य इति भूमि पर महती देवता हेशा नर रूपेण तिष्ठति। देवताओं के अंश निहित रहने के कारण यदि राजा कोई छोटा सा बालक हो तो भी उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। बाल अपि न अवमंतव्य मनुष्य इति भूमि पर, भूमि पर यदि बाल अपि न अवमंतव्य, कारण महति देवता एषा, ऐसा महति देवता नर रूपेण तिष्ठति, वह मनुष्य के रूप में है, वही बड़ी बात है। राजा की क्यों अवज्ञा नहीं करनी चाहिए? कहते हैं एकमेव दहत्यग्निर नरम युप सर्पिणम कुलम दहति राजाग्नि तपसु द्रव्य संचयम। जैसे अग्नि की उपेक्षा यदि की जाए तो वह यज्ञ उस व्यक्ति को जला देती है, लेकिन राजा की उपेक्षा करने पर राजा की कोपाग्नि कुल पशु धन समेत सबको नष्ट कर देती है। अग्नि ही एकम एव नरम दहति, किंतु राजाग्नि सब पशु कुलम द्रव्य संचयम अपि दहति। राज्य प्रशासन में साम दाम दंड और भेद इन चतुर्विध नीतियों से कार्यान्वित होता है। इसमें भी दंड का विधान अति आवश्यक है। यदि राजा दंड धारण न करे तो जैसे तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार बलवान लोग दुर्बल लोगों का शोषण करते हैं। इसी को संस्कृत में मात्स्य न्याय से यह बात व्यक्त कही गई है जो आगे के श्लोकों में आएंगे। तो दंड का महत्व दर्शाते हुए कहते हैं और राज्य प्रशासन में दंड की क्या आवश्यकता है उसके बारे में बताते हैं कि दंड शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवा विरक्षति दंड सुप्तेषु जागृति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। दंड से ही प्रजा अनुशासित होती है और सुरक्षित रहती है। दंड सर्वाः प्रजाः शास्ति दंड सर्वाः प्रजाः एव अभिरक्षति। दंडी प्रजा को अनुशासित और सुरक्षित करती है। सबके सोने के बाद दंड ही जागता है। दंड सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर बुधा बुधाः जनाः दंडम धर्मम विदु। बुद्धिमान व्यक्ति दंड को ही धर्म स्वरूप मानता है। यदि दंड को आज की भाषा में हमें परिभाषित करें तो वह आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड या अन्य जो कोई भी कानून है वह दंड के अंतर्गत समाविष्ट होते थे। दंड यदि राजा दंड का प्रयोग न करे तो क्या होगा? तो कहते यदि न प्रणयेत राजा दंडम दंडेश्व तंद्रितः तूले मत्स्यान इवा पक्षन दुर्बलान बलवत्तरा। मत्स्य न्याय की हमने पहले चर्चा की थी, वही न्याय इसमें बताया गया है। मत्स्यान इवा पक्षन मत्स्य न्याय की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यदि राजा दंड के पात्र व्यक्ति को दंड नहीं देता दंडियेषु अतंद्रितः दंडम या असावधान रहता है तो बड़ी मछली जिस प्रकार छोटी मछली को निगल जाती है उसी प्रकार दुर्बल व्यक्ति पर बलवान अपना जोर अजमाते हैं। इसीलिए राजा को हमेशा दंड युक्त रहना चाहिए। और यदि राजा उस दंड का सम्यक प्रयोग करे यानी दंडिय व्यक्ति को दंड दे और अन्य प्रजाओं की रक्षा करे तो क्या होता है? तो उसके बारे में बताते हैं तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते कामात्मा विषमः क्षुद्रो दंडेनेव निहन्यते।
राजा दंड का सम्यक उपयोग करता है। राजा तम दंडम, तम से यहाँ दंड को लेना है, तम दंडम प्रणयन सम्यक, सम्यक उपयोग करता है। तो वह राजा त्रिवर्गेण अभिवर्धते, उसके त्रिवर्ग, त्रिवर्ग यानी धर्म अर्थ और काम, इन तीनों की वृद्धि हो जाती है। त्रिवर्ग से, इसी श्लोक से एक बार पूर्व परीक्षा में प्रश्न आया है कि त्रिवर्ग से राजा किसका बोध करते, तो हमें याद रखना है धर्म अर्थ और काम। और कामात्मा विषमः शूद्रो दंडेनैव निहन्यते, और जो राजा कामात्मा यानी कि विषय लोलुप हो, विषमः शूद्र यानी नीच कर्म परायण हो, तो उसी दंड से उसी राजा का विनाश भी हो जाता है। दंड की बात करने के बाद राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस विषय में कहते हैं कि स्वराष्ट्रे न्यायवृत्त स्यात् भृशदण्डश्च शत्रुषु सुहृत् स्वजिह्वा स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः। अपने राष्ट्र में राजा को न्यायपूर्वक शासन चलाना चाहिए। स्वराष्ट्रे न्यायवृत्त स्यात् शत्रुषु भृशदण्डः, और जो शत्रु है या शत्रु राष्ट्र है उसके लिए दंड का प्रयोग करना चाहिए। सुहृत् स्वजिह्वा, स्वजिह्वा, अजिह्वा, जिह्वा यानी वक्र, और अजिह्वा यानी सरलता से, मित्र राष्ट्रों के प्रति सरलता और स्निग्ध यानी प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। और ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः, और ब्राह्मणों के प्रति, विद्वानों के प्रति, ज्ञानियों के प्रति क्षमाशील रहना चाहिए। क्यों राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, राजा के लिए विनय क्यों आवश्यक है? तो कहते हैं कि वृद्धांश नित्यम सेवेत विप्रान वेद विदह सुचिन वृद्ध सेवी च सततम रक्षो भी अपि पूज्यते। श्रोत्रिय और शौचाचार संपन्न ज्ञान वृद्ध ब्राह्मण के सानिध्य में रहकर विद्या विनयादि का ग्रहण करना चाहिए, उससे राजा दुर्जनों के द्वारा भी बंधे होता है। इसलिए विनय की अपने जीवन में खूब राजाओं को आवश्यकता होती है। राजा यदि विनय से रहित हो तो कैसी दुर्गति होती है, उसके कुछ उदाहरण मनु हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वेनो विनष्टो विनयान नहुषस्तैव पार्थिवः सुदासो यवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च। आप ही कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने संशोधन करके स्मृति ग्रंथ या साहित्य ग्रंथ दिए हैं, तो वही अनुभव के माध्यम से मनु भी बताते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार वेन, नहुष, सुदास, निमि आदि राजाओं के विनाश का मूल अविनय ही था। हम जानते हैं कि धनानंद के अविनय के कारण ही चाणक्य ने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी और चंद्रगुप्त जैसे राजा का निर्माण किया और धनानंद को पद भ्रष्ट, राज्य भ्रष्ट कर दिया था। इसलिए राजा को विनयशील होना चाहिए। इसके कई सारे उदाहरण हैं और आज भी हमें इसके कई सारे उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं। और यदि राजा विनय संपन्न हो तो क्या हो सकता है, तो वो भी पहलू हमारे सामने निर्दिष्ट करते। तुष्टु विनयाद राज्यम प्राप्तवान मनुरेव च कुबेरश्च धनेश्वर्यम ब्राह्मण्यम चैव गादिजः। ऋतु राज्यम विनयात मनु अपि राज्यम प्राप्तवान। ऋतु और मनु राजा ने विनय के बल पर राज्य को प्राप्त किया। मनु ऋतुस्तु राज्यम विनयात प्राप्तवान। कुबेरस्य धन ऐश्वर्यम प्राप्तवान, कुबेर ने धन का आधिपत्य प्राप्त किया। गादिजह ब्राह्मण्यम प्राप्तवान, और गादिपुत्र विश्वामित्र ने क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व को विनय के बल पर ही प्राप्त किया था। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में विनयाधिकारी अध्याय के बुद्ध संयोग और इंद्रिय जय प्रकरण में इस विषय की चर्चा की है, और पृथु, मनु, कुबेर, विश्वामित्र आदि की कई सारी कथाएं हमें पुराण साहित्य में उपलब्ध होती है। यदि समय हो तो ऐसे आख्यानों का भी हमें रसास्वादन समय समय पर अवश्य करना चाहिए। इंद्रियाणां जये योगं समातिष्ठेत् दिवानिशं जितेन्द्रियो हि शक्नोति
श्रेष्ठा प्रीतुम प्रजा। मनु कहते हैं कि इंद्रियाणाम जये दिवानिष्ठम योगम राजा समातिष्ठे, अर्थात राजा को अहर्निश अपनी इंद्रियों पर संयम रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रियो ही शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजा, जितेंद्रियो ही राजा प्रजा वशे स्थापयितुं शक्नोति, जितेंद्रिय राजा ही अपनी प्रजा को वश में रख सकता है। अब 18 प्रकार के व्यसन मनु बताते हैं, तो वह कौन से 18 प्रकार के व्यसनों से राजा को बचना चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। दश काम समुत्थानी तथा क्रोध जानी च व्यसनानी दुरंतानी प्रयत्नेन विवर्जयेत। राजा के लिए 18 व्यसन बताए गए हैं, इन 18 व्यसनों से राजा को सर्वथा दूर रहना चाहिए। उसमें से 10 काम समुत्थानी, उसमें से 10 व्यसन काम से उत्पन्न होते हैं, और 8 क्रोध जानी च और 8 क्रोध से उत्पन्न होते हैं। यह व्यसन बहुत कष्ट से दूर होते हैं, इसलिए राजा को इसके विषय में जागृत रहना चाहिए। कामोत्पन्न वो 10 व्यसन कौन से है उसका परिगणन करते हुए मनु कहते हैं कि मृगयाक्ष दिवा स्वप्न परिवाद स्त्रियो मद तौर्यत्रिकम वृथा टव्या कामजो दशको गण। मृगया यानी शिकार करना, अक्ष यानी जुआ खेलना, दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना, परिवार यानी दूसरों की निंदा करना, स्त्रियो स्त्री सान्निध्य, मद मद्यपान, तौर्यत्रिकम तौर्यत्रिकम से यहाँ पर गायन वादन नृत्य, और वृथा टव्या बिना कारण के घूमना, इन 10 कामोत्पन्न व्यसनों से राजा को सर्वदा बचना चाहिए। उसके बाद में क्रोधोत्पन्न 8 व्यसन कौन से है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि पैशून्यम साहसम मोहम ईर्ष्या सूयार्थ दूषणम वाग्दंड जम च पारुष्यम क्रोध जोपि गणोष्टकः। पैशून्यम, पैशून्यम यानी जुगलखोरी करना, साहसम दुस्साहस करना, मोह अधिक मोह का होना, विषयों में अधिक मोह का होना, ईर्ष्या करना, असूया यानी अच्छी चीजों में भी अच्छे गुणों में भी दोषों को देखना असूया आ जाता है, गुणेशु दोषाविष्करणम असूया, दूषणम चौर्य वृत्ति राजकोष में से अपने उपभोग के लिए प्रजा का धन व्यर्थ करना अभी एक प्रकार का दूषण है, और वाग्दंड अकारण कटुभाषी होना, और पारुष यानी कठोर होना। ये 8 क्रोधोत्पन्न व्यसन बताए गए हैं जिससे भी राजा को हमेशा बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब बताते हैं कि सचिव कार्य में, राज्य प्रशासन में सचिव कार्य में कैसे व्यक्ति को नियुक्त करें। मौलान शास्त्र विद सूरान लब्ध लक्षान कुलोद्गतान सचिवान सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वीत परीक्षितान। मौलान परंपरा प्राप्त अध्ययन किया हो जिसने, शास्त्रविद जो शास्त्र का ज्ञाता हो, सूरान लब्ध लक्षण अचूक लक्ष्य साधक हो, सूर हो, कुलोद्गतान कुलीन घराने का हो, ऐसे 7 या 8 व्यक्तियों को सचिव पद पर नियुक्त करना चाहिए, तथा कामोपदा भयोपदादि चतुर्विध परीक्षाओं में वह व्यक्ति उत्तीर्ण होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सचिव का पद देना चाहिए। इस प्रकार आज राज्य प्रशासन में सचिव पद की नियुक्ति के लिए UPSC के द्वारा परीक्षा होती है, उसी प्रकार व्यावहारिक आदि परीक्षा राजा के द्वारा भी पूर्व काल में शास्त्र निर्दिष्ट अनुसार सचिव आदि को नियुक्त करने के लिए होती थी। सचिव कार्य के बाद दूत कार्य में कैसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए उस विषय में मनुस्मृति बताती है कि दूतम चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्र विशारदम इंगिताकार चेष्टग्नम दुचिम दक्षम कुलोद्गतम। सर्वशास्त्र विशारदम दूतम प्रकुर्वीत, जो सभी शास्त्रों में निपुण हो ऐसे व्यक्तियों को दूत बनाना चाहिए,
और इंगिताकार चेष्टग्नम, इंगित आकार चेष्टग्नम अर्थात चेहरे की भाव भंगिमा को जानने में जो समर्थ हो, जिसे अंग्रेजी में फेस रीडिंग भी कहते हैं, इसे इंगिताकार चेष्टग्न व्यक्तियों को दूत कार्य में नियुक्त करना चाहिए। सूची यानी पवित्र हो, सदाचारी हो, दक्ष हो और कुलीन घराने का हो, ऐसे व्यक्तियों को दूत कार्य में नियुक्त करना चाहिए। सचिव और दूत कार्य के बारे में जानने के बाद राज्य प्रशासन में किसको कौन सा कार्य संभालना चाहिए, उस विषय में कहते हैं कि अमात्ये दंड आयत्तो दंडे वेनई की क्रिया नृपतो कोश राष्ट्रम च दूते संधि विपर्ययो। अमात्य दंड आयत्तः, दंड देने का काम अमात्य के अधीन होना चाहिए। वेनई की क्रिया दंडे अधीना, वेनई की क्रिया दंड के अधीन होती है। नृपतो कोश राष्ट्रम च, राजा के अधीन कोश और राज्य होना चाहिए। दूते संधि विपर्ययो, और दूत के अधीन संधि और विग्रह होता है। दूत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि दूत एव ही संधत्ते भिन्नत्येव च संहतान दूतस्तत्कुरुते कर्म विद्यन्ते एन मानवः। दो राष्ट्र के बीच बिगड़े संबंधों को सुधारना तथा विरोधी राष्ट्रों से संबंध को बिगाड़ना वह एक दूत ही कर सकता है। दूत एव ही संधत्ते संहतान भिन्नति एव, दूतस्तत्कुरुते कर्म विद्यन्ते एन मानवः। विरोधी राष्ट्रों की प्रजा में फूट डालकर राष्ट्र के प्रति विद्रोह भी दूत करवा सकता है। इसीलिए कहा गया एन मानवः विद्यन्ते तत्कर्म दूतः कुरुते। आज भी सभी देशों के राजदूत एक दूसरे के राष्ट्र में निवास करके अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह हम सब जानते हैं। अब दुर्ग की चर्चा कर रहे हैं, उसमें छह प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। धनु दुर्गम, मही दुर्गम, अब दुर्गम, वार्क्षमेव वा गिरी दुर्गम, नृदुर्गम वा समाश्रित्य वसेतपुरम। धनुराकृति वाला दुर्ग, दुर्ग यानी किला, तो वह छह प्रकार के किले का निर्माण राजा को देश काल आदि देखकर निर्माण करना चाहिए, जिसमें पहला धनुदुर्ग धनुराकृति वाला दुर्ग, मही दुर्ग धराकृति वाला दुर्ग, अब दुर्ग जलाकृति वाला दुर्ग यानी किले के चारों ओर जल हो और उसमें मगरमच्छ इत्यादि जलचर जलभक्ष प्राणियों का निवास हो। वार्षमेव वा वृक्षाकृति वाला दुर्ग, गिरी दुर्ग पर्वताकृति वाला दुर्ग, यह दुर्ग अति विशिष्ट पूर्ण दुर्ग है गिरी दुर्ग। इन दुर्गों में से या मानव निर्मित दुर्ग, ये छठवा मानव निर्मित दुर्ग है। ऐसे किसी भी एक प्रकार के दुर्ग में राजाओं को निवास करना चाहिए और उसकी प्रजाओं को भी उसमें निवास करना चाहिए। गिरी दुर्ग की विशेषता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गम समाश्रयेत एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्गम विशिष्यते। सर्व दुर्गों में गिरिदुर्ग गिरी किला यानी पर्वत की चोटी पर स्थित किला सर्वाधिक सुरक्षित और उपयोगी है। एषां हि बाहुगुण्येन, बहुगुणों से विशिष्ट गिरिदुर्ग में ही राजाओं को आश्रय लेना चाहिए। उसके बहुगुण क्या है वह आगे के श्लोक में बताया गया। अभी राज्य प्रशासन में दुर्ग निर्माण क्यों आवश्यक है, इस विषय में कहते हैं कि एक शतम योद्धयति प्रकारस्थो धनुर्धरः शतम दश सहस्राणि तस्मात् दुर्गम विधीयते। दुर्ग के ऊपर स्थित एक धनुर्धारी योद्धा 100 शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ता है। ये बात बताई गई, एक धनुर्धरः प्रकारस्थ दुर्गस्थ शतम योद्धयति, और वही दुर्ग पर यदि 100 धनुर्धारी खड़े हो तब तो क्या बात कहनी। शतम दश सहस्राणी, वो 100 योद्धा हजारों शत्रुओं का सामना कर सकने में सक्षम होते हैं। इसी प्रयोजन से दुर्ग निर्माण आवश्यक है।
अस्तु, धन्यवाद, पुनः मिलामः।